इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वैंग ली से कहता है, तुम उस चिक से डायरेक्टली शादी कर सकते हो क्योंकि तुम दोनों कल रात साथ में थे। इसे ली कहता है, मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि कल रात मैंने ड्रिंक्स किया था, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है। चिंग पूछता है, क्या तुम अभी यू को नहीं भूल सकते हो? वैंग कहता है, उसने तुम्हें सबके सामने इंसल्ट किया है। मैंने आज एकेडमी में यू की रिएक्शन देखने के लिए तुम्हारे और क्यू के बारे में कहा। सैड होने के बदले वो मुंह के साथ हंस रही थी। मुझे लगता है कि यू को तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में सेकंड प्रिंस यू से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ कुनवू क्लैन के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हो? क्या मैंने ठीक सुना? ली एस कहता है, इसे प्रिंस लॉन्जर कहता है, स्ट्रेंज, तुम कुनवू क्लैन के पार्शल थे और स्टोरीज को बिलीव नहीं करते थे। इसे ली कहता है, हाँ लेकिन नेशनल प्रोटेक्टिंग मास्टर होने के बावजूद कुनवू क्लैन के अगेंस्ट फाइट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉन्जर मान जाता है। नेक्स्ट सीन में लॉन्जर का असिस्टेंट ली की एबिलिटी के बारे में डाउट करता है। इसे लॉन्जर कहता है, ली को लॉर्ड जी ने सिलेक्ट किया है सो वो ऑर्डिनरी नहीं हो सकता है। आज मैं उसे हेल्प करूंगा, फ्यूचर में अगर हमें उसकी हेल्प चाहिए तो वो हमें मना नहीं कर सकता है। ही वो से फेवर। नेक्स्ट सीन में लॉन्जर ने कहा, जैसे सब एकेडमी के यार्ड में गैदर होते हैं, ली यू को देखता है लेकिन यू नजर हटाती है। लॉन्जर आकर कहता है, अटेंशन, सब एक्शंस मेरे कमांड में होंगे, सेट ऑफ। सब लाइन में जाने लगते हैं। ली लॉन्जर से कहता है, लेकिन तुमने मुझसे इस एक्शन को सीक्रेट रखने को कहा था। इसे लॉन्जर कहता है, मेरा एक्शन एडवांस में ही पता ना होने के लिए मैंने ऐसे कहा था। सिटी में सब तरफ कुनवू क्लैन की इन्फॉर्मर्स है। अब ली कहता है, तुम क्या उतना काइंड हो? तुम्हें यू पर डाउट है ना? क्यों ना तुम कितना ही प्रिपेयर्ड हो लेकिन मैं यू को हर्ट होने नहीं दूंगा। और वहां से चला जाता है। लॉन्जर आते ही एक कहता है, योर हाइनेस, रेड कैरेक्टर आर्मी असेंबल हुआ है, कुनवू क्लैन पर हमला करने के लिए तुम्हारे ऑर्डर्स को वेट कर रहे हैं। ये सुनकर यू को शॉक होता है। लॉन्जर ऑर्डर देते ही आर्मी सेट अप होती है। मुंह यू से कहता है, काम डाउन, तुम कुनवू क्लैन के एक ही होप हो सो ट्रबल क्रिएट मत करो। मुंह को यू से बात करना ली और उसका असिस्टेंट देखते हैं। वैंग कहता है, अगर औरत एक बार माइंड चेंज करती तो वो फिर कभी नहीं लौटेगी। अब चिंग कहता है, तुम कम बात नहीं कर सकते हो क्या? ली मोयून एंशिएंट एकेडमी को सेट ऑफ कहता है। सब ली के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट सीन में कुनवू क्लैन मेंबर्स दिखते हैं। तभी एक पर अटैक होता है। अब सोल्जर्स आकर कुनवू क्लैन पर अटैक करने लगते हैं। जनरल सोल्जर्स का सामना करता है। कुनवू क्लैन की तकलीफ यू नहीं देख पाती है लेकिन मुंह उसे रोककर कहता है, काम डाउन, अगर तुम इस लोगों को बचाती भी तो बचे हुए लोगों का क्या होगा? मुझे पता है कि तुम बहुत सैड हो लेकिन याद रखो कि तुम कुनवू क्लैन की लास्ट होप हो। यू काम होती है। सोल्जर्स कुनवू क्लैन मेंबर्स को बंदी बनाते हैं। ये देखकर यू जोर से रोने लगती है। जनरल को सोल्जर्स का सामना करना देखकर प्रिंस लॉन्जर उसके तरफ जाने लगता है लेकिन जनरल उसे मार के गिराता है। ये देखकर सोल्जर्स मिलकर जनरल को बंदी बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में युशान कहती है, कुनवू क्लैन के बहुत सारे बुजुर्ग, औरतें और बच्चे घायल हुए हैं। उनका सिचुएशन पिटीफुल है। हमने अब तक कुनवू क्लैन ने ह्यूमन क्लैन को तकलीफ देना हमारी आंखों से नहीं देखा है। फिंग भी युशान की बात को सपोर्ट करता है। यू चुप कर सही मौके का इंतजार कर रही थी। अब प्रिंस मुंह आकर पूछता है, क्या तुम्हें ये करना ही है? इसे यू कहती है, अंकल युआन और मेरी कुछ क्लासमेट्स अंदर है, मुझे उन्हें सेव करना है। मू यू को सेल्फ एंजाइटिंग ग्रास देकर कहता है, अगर कुछ होता तो इमीडिएटली बाहर निकालो। यू थैंक यू कहकर चली जाती है। सोल्जर्स को बेहोश करके यू अंदर जाती है। यू जनरल के पास आकर मैं आपको सेव करूंगी कहकर सोर्ड से चेन ब्रेक करने लगती है। अब जनरल कहता है, कोई आ रहा है, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। लेकिन यू मानती नहीं है। जब लॉन्जर वहाँ आता है कुटिया ब्रेक होता है। जनरल घायल हुआ था। लॉन्जर अंदर जाता है। अब जनरल कितना शार्प सोर्ड है
तुमने तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के खून की रिवेंज ले लिया है। केकर मर जाता है। यू को बहुत दुख होता है। लॉन्जर पूछता है, यू तुम क्या कर रही हो? इसे यू कहती है, कुनो क्लान के इस आदमी ने मेरे पेरेंट्स को मार डाला है, सो मुझे अपने ही हाथों से इसे मारना था। प्रिंस मू और ली यू की बात को मानते हैं। लॉन्जर वहाँ से चला जाता है। ली भी अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। अब यू ले के पास आकर क्या हुआ है सोचकर रोने लगती है। जनरल ने खुद को यू की सोर्ड के हवाले किया था। नाइट यू अपने फेस हाइड करके ली के रूम में आती है। ली सो रहा था। यू चुपके से जाकर ली के वेस्ट से नंबर वन टोकन लेती है। जब वो जाने लगती है उसे मास्टर की बात सुनाई देती है। यू उसे मार दो, ली नेशनल प्रोटेक्टिंग मास्टर है, सो वो कुनो क्लान का एनिमी है, उसे अब या बाद में मरना ही है। उमन की पिटी फील को भूल जाओ। आंखों में आंसू भर कर ही यू ली को मारने के लिए नाइफ लेती है। तभी ली नींद में कहता है, यू मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अब यू को ली के साथ में बिताई हुई मोमेंट्स याद आने लगती है, सो यू वहां से चली जाती है। जब यू बाहर आती है चिंग उसे रोकता है। यू और चिंग के बीच में फाइट होता है। तभी फेस हाइड करके प्रिंस मू वहां आकर चिंग को रोककर यू को बचाता है। नेक्स्ट सीन में यू मास्टर से कहती है, मुझे नंबर वन टोकन मिला है। अब मास्टर पूछता है, तुमने ली को क्यों नहीं मारा है? इसे यू कहती है, चिंग बहुत स्किलफुल है, अगर मैं ली को मारती तो मैं चिंग से एस्केप नहीं हो पाती। लॉर्ड सी पैलेस में है, सो मैं अभी ड्रैगन एम्परर को सेव करने की कोशिश करती हूँ। मास्टर मान जाता है। नेक्स्ट सीन में यू सीक्रेट वार्ड को ओपन करती है और नंबर वन टोकन यूज करके मिस्टीरियस लैंड में एंटर होती है। अंदर जाकर यू ड्रैगन एम्परर को पावरफुल ग्रीन स्टोन यूज करके ढूंढने लगती है। यू ग्रीन स्टोन ने बताया हुआ दिशा में जाती है। वहाँ यू को एक पजल दिखता है। यू उसके अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन फेल होती है। तभी उसे एक सोर्ड दिखता है। यू सोर्ड उठाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं होता है। अब उसे सोर्ड में नेशनल प्रोटेक्टिंग मास्टर ली करके लिखा हुआ दिखता है। यू फिर से सोर्ड उठाने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती है। अब यू मन में ही क्या ये सिर्फ ली ही कर सकता है करके सोचने लगती है। इस तरफ लॉर्ड जी अपने रूम को लौटकर आता है। ये मू और उसका असिस्टेंट देखते हैं। अब मू जल्दी से वहां से जाता है। यू भी सीक्रेट वार्ड क्लोज करके लॉर्ड जी के रूम से बाहर आती है। तभी लॉर्ड जी गेट ओपन करके अंदर आ रहा था। ये यू देखती है। उसे क्या करना समझ में नहीं आता है। अचानक मू आकर उसे लाइटनिंग स्पीड में ले जाता है। यू मू को थैंक्स कहती है। मू कहता है, जो कुछ हुआ ये ली को पता चलने मत दो, टोकन मुझे दो। यू टोकन मू को देती है। अब मू कहता है, मैं इसे डील करूंगा। सुबह उठकर ली अपने टोकन को ढूंढने लगता है। अब चिंग कहता है, कल रात कोई दो यहाँ पर आए थे। ली पूछता है, कौन है? चिंग कहता है, एक आदमी और एक औरत। आदमी बहुत स्किलफुल था लेकिन मैं उसे ठीक से नहीं देख सका। ली पूछता है, तो औरत कौन है? चिंग कहता है, यू आई एम नॉट श्योर लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। नेक्स्ट सीन में ली यू को मिलकर पूछता है, क्या कल रात तुम और मू ने मिलकर नंबर वन टोकन लिया है? अगर तुम्हें नंबर वन टोकन चाहिए तो तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकती थी। तुम क्यों चुराने के लिए दूसरों के साथ मिली हुई हो? या मू ने तुमसे चुराने के लिए कहा था? इसे यू कहती है, प्रिंस मू ऐसा नहीं है। अब ली कहता है, तुम दोनों उतने क्लोज हो गए हो क्या? तुम मेरी वाइफ हो, ये तुम भूल गई हो क्या? यू कहती है, हमारी मैरिज जस्ट एक खेल था। ये सुनकर ली दर्द से पूछता है, क्या लेक में हमारी किस भी तुम्हारे लिए एक खेल था? इस तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके कमेंट में इस लिख देना। और मैं इस तरह के मूवीज एक्सप्लेन इन हिंदी इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए मूवीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और स्टे ट्यून्ड।